proceed the question. A Diwali rocket is ejecting 0.05 kg of gases per second at a velocity of 400 meter per second. The accelerating force on the rocket is. So, bachyo, given hai hume for a Diwali rocket, the rate of ejecting gases, that is mass per unit time, ki value given hai hume 0.05 kilogram per second. और इसकी वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों हमें फाइंड करना है कि रॉकेट पर कितना एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है. तो इसको हम ले सकते हैं d by dt ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दैट विल बी द मोमेंटम. सो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो दिस विल बी m मल्टीप्लाइड बाय d बाय dt ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाइड बाय d बाय dt ऑफ m. अब क्योंकि रॉकेट की जो वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट गिवन है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वो क्या हो जाएगी, जीरो. सेकेंड टर्म में वैल्यूज पुट करेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.05. तो बच्चों हमें मिल जाएगा एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट का आंसर 20 न्यूटन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. थैंक यू.